हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमास क्रिएटिविटी एंड रेसिपी। आज इस वीडियो में मैं आपको एक पुराने पॉट को डेकोरेट करना बताऊंगी। ये मेरे पास एक पुराना पॉट रखा था, कांच का है। इसके ऊपर ग्रीन कलर हो रहा था लेकिन काफ़ी पुराना हो गया था तो इसका कलर हट गया है। तो मैंने सोचा कि आज इसको कुछ मैं डेकोरेट करती हूँ। तो मेरे पास ये ब्लैक कलर का एक्रेलिक कलर है तो इसे ही मैं इसके ऊपर पेंट करूँगी। ये देखिए, ये पॉट मेरा कलर मैंने ब्लैक कलर का कर दिया था तो अब बिल्कुल रेडी हो गया है। और मुझे तो ये ब्लैक कलर में ही बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं इसमें सोच रही हूँ कुछ थोड़ा सा एक और कलर का कॉम्बिनेशन बिठाती हूँ, देखते हैं कैसा लगता है। मेरे पास ये गोल्डन कलर है तो गोल्डन कलर से मैं थोड़ा सा इसकी आउटलाइन करके देखती हूँ कैसा लगता है ये। ये एक साइड तो मैंने कर लिया है, अब इसमें मैं इस तरफ भी सोच रही हूँ, इस तरफ भी कर लेती हूँ तो फिर देखते हैं कैसा लगता है। यहाँ तो काफ़ी सुंदर दिख रहा है ये। आप लोगों के पास भी अगर ऐसे कोई पुराना फ्लावर पॉट पड़ा हो जो कि आपको लग रहा हो कि अब बेकार सा हो गया है, तो आप उस पर पेंट करके उसे एक नया लुक दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। लाइक करने के साथ ही आप सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसको दबा दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ पता चल सकें। देखिए कितना सुंदर हो गया है वे पॉट, मतलब बनने के बाद इतना सुंदर दिखेगा ये तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। वाकई बहुत खूबसूरत दिख रहा है, लग रहा है ना अच्छा, बहुत सुंदर है, मुझे भी बहुत पसंद आया। सिर्फ मतलब एक पेंट करने से आप उस पर सिर्फ मैंने दो कलर किए हैं और उसके बाद देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल अभी नया नया खरीद के लेकर आई हूँ।